gift. Hazel. Hey, देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या दिया है। अरे वाह कुकीज, ये कितने अच्छे हैं। ओए मुझे भी खिलाओ। तुम ये खाओ। हेजल तुम्हें लेट क्यों हुआ? मैं कुकीज बनाने के लिए माँ की मदद कर रही थी, उसके बदले माँ ने मुझे ये इनाम दिया है। अरे वाह, क्रिसमस पे सांता भी गिफ्ट देंगे, फिर तो तुम्हारे पास दो दो गिफ्ट होंगे। हाँ। अरे वाह, तुम्हारे तो बहुत मजे है हेजल। चलो जल्दी खेलने चलते हैं, पहले ही काफी लेट हो चुका है। तुम सब लोग सांता से क्या गिफ्ट मांगोगे? मुझे एक छोटी सी और प्यारी सी बिल्ली चाहिए। मुझे स्नो ब्लेड्स चाहिए। मैं तो गिटार मांगूंगा। और तुम हेजल, तुम भी तो बताओ। सांता जो भी प्यार से मेरे लिए लाएंगे वो मैं ले लूंगी। अरे वाह कितनी अच्छी बात है। चलो। सभी बच्चे बर्फ पर खेलने लगते हैं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। हेजल के हाथ से गिफ्ट उड़ जाता है। सब बच्चे गिफ्ट को ढूंढने लगते हैं। तभी हेजल की नजर एक गड्ढे की ओर जाती है। कहीं तुम्हारा गिफ्ट इस गड्ढे में तो नहीं गिरा ना? क्या तुम अंदर जाकर देख सकते हो? हाँ, मैं अभी देखता हूँ। तोता गड्ढे के अंदर जाता है। गड्ढे के अंदर उसे गिफ्ट नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो गिफ्ट उठाने जाता है गिफ्ट गायब हो जाता है। अरे ये कैसे हुआ? क्या अंदर मेरा गिफ्ट है? हाँ गिफ्ट तो था, पर जैसे ही मैं उसे उठाने गया वो अचानक गायब हो गया। तभी आसमान से सांता क्लॉज आते हैं और सांता को देखते ही सब बच्चे उनके पास भाग कर जाते हैं। मेरी क्रिसमस सांता। हो मेरी क्रिसमस बच्चों, देखो मैं तुम सबके लिए तुम्हारे मन पसंद गिफ्ट लाया हूँ। ये लो तुम्हारी गिटार। थैंक यू। ये तुम्हारी बिल्ली। थैंक यू। ये लो जैक तुम्हारे स्नो ब्लेड्स। और ये गिफ्ट सबसे प्यारी हेजल के लिए। थैंक यू सांता। और ये दूसरा गिफ्ट मेरी तरफ से खास तुम्हारे लिए। मेरा खोया हुआ। Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. क्रिसमस सरप्राइज की कहानी। क्रिसमस मनाने के लिए बेबी हेजल बहुत ही उत्साहित है। उसने न कि अपना घर सुंदर तरीके से सजाया बल्कि अपनी मनपसंद कुकीज बनाने में अपनी माँ का हाथ भी बटाया। मेरे दोस्त अभी तक नहीं आए हैं, थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। मैं तुम सबका कब से इंतजार कर रही थी। माँ ने हम सबके लिए ये कुकीज बनाई है। हेजल ये कितनी स्वादिष्ट है। शुक्रिया।
क्या तुम सब अपनी अपनी इच्छाएं पर्ची पर लिखकर लाए हो? हाँ। चलो फिर सांता को अपनी अपनी पर्ची भेजते हैं। हेजल और उसके दोस्त हर्ष और उल्लास से भरे हुए थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि सांता से उन्हें अच्छे और मनपसंद उपहार मिलेंगे। मुझे तो स्नोब्लेड चाहिए। मुझे एक गिटार चाहिए। मुझे एक छोटी सी बिल्ली चाहिए। मेरी इच्छा है कि मेरे दादा दादी हमेशा मेरे साथ रहे। ये पैराशूट कितने ऊंचे उड़ रहे हैं। ये सांता को जरूर मिल जाएंगे। छोटा भाई सांता का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को अपने अपने उपहार जो चाहिए थे। और हेजल को तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। वह सांता से बिना मिले सोना नहीं चाहती थी। मैं तो सो गया, चलो मैं इसका बिस्तर लगा देती हूँ। हो हो हो, उठो प्यारी हेजल। सांता, क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्रिसमस की बधाई हो। आपको भी क्रिसमस की बधाई हो। उपहार के लिए शुक्रिया। अरे वाह, केक पॉप्स। हो हो हो, खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा। अब मैं तुम्हारे दोस्तों के घर जाऊंगा और उन्हें भी यही उपहार दूंगा। नहीं, मेरे दोस्तों को केक पॉप्स नहीं चाहिए। क्या आप उनको उनके मनपसंद उपहार दे सकते हैं? प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्तों को भी उनके ही मनपसंद उपहार मिलेंगे। कितना अच्छा सपना था। हेजल ने तो इस सपने का पूरा पूरा आनंद लिया होगा। आज क्रिसमस है। हेजल की माँ अपनी प्यारी बेटी को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है। उठो हेजल, आज क्रिसमस है। हेजल, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे दोस्त बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुप्रभात माँ। क्रिसमस की बधाई हो। क्रिसमस की बधाई हो। तुम सबको क्रिसमस की बधाई हो। तुम्हें भी। कितना खुशी भरा माहौल है। बच्चे क्रिसमस की मिठाइयाँ खा रहे हैं और चार्ली भी खुशी से झूम रहा है। ओ, ये क्या? अचानक से ये तेज हवा कहाँ से आ गई? बच्चों को जल्दी से घर के अंदर चले जाना चाहिए। रुको, वो कौन है? ये तो सांता है। हो हो हो, क्रिसमस की बधाई हो। बच्चे सांता को देखकर बहुत ही खुश हो गए। हो हो हो, केनी, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। मिया, ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया सांता। और ये है खूबसूरत माँ के लिए। वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है
ये तुम्हारा उपहार तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ये बहुत ही सुंदर है। क्या आप मुझे गर्म चॉकलेट का दूध बनाकर दे सकती है? मुझे और भी बहुत जगह जाना है और बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। क्यों नहीं सांता, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। प्यारे बच्चे, ये तुम्हारे लिए है। वाह, मुझे स्नोब्लेड्स मिले। अब सांता की पोटली में एक ही उपहार बचा है जिस पर किसी का भी नाम नहीं लिखा है, और हेजल अकेली बची है जिसको कोई उपहार नहीं मिला। अरे नहीं, ये तो मिर्च है। चार्ली, ये तुम्हारे लिए है। सांता, आप मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए, क्या मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ? मैंने तो सब बच्चों के लिए उपहार लाया था। ओ नहीं, लगता है सांता से हेजल का उपहार कहीं गुम हो गया है। जब सांता ने उत्तरी ध्रुव से अपना सफर शुरू किया था, उस वक्त तेज हवाएं चल रही थी। तेज हवा की वजह से सांता अपनी गाड़ी का नियंत्रण खो बैठे और इस तरह से उनसे हेजल का उपहार कहीं गिर गया। ओ हेजल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा उपहार कहीं खो दिया। सांता, आप ठीक तो हो ना? आप हमें मिलने के लिए आए, यही हमारे लिए बहुत है। नहीं हेजल, आज क्रिसमस है, सब बच्चों को उपहार मिलना ही चाहिए। चलो हम सब मिलकर तुम्हारा उपहार ढूंढते हैं। सभी बच्चे उत्तरी ध्रुव जाने के लिए बहुत उत्सुक थे और मिशन है हेजल का उपहार ढूंढना। बर्फ के उत्तरी ध्रुव में बहुत ही ज्यादा ठंड है, पर उसका नजारा बहुत ही अद्भुत लग रहा है। लंबे सफर के बाद सांता बच्चों के साथ आखिरकार यहाँ पहुँच ही गए। शायद यही कहीं गिरा होगा, चलो ढूंढते हैं। हम सब बच जाते हैं और अलग अलग जगह पर उपहार को ढूंढते हैं। केनी और मिया एक ओर चले गए, हेजल, सांता और चार्ली उपहार ढूंढने दूसरी ओर चले गए। हेजल यहाँ वहाँ ढूंढती है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ भी नहीं है, देखो वहाँ हिम मानव है। हाँ, वहाँ जाकर देखता हूँ। ओ, यहाँ पर भी नहीं है। और यहाँ पर एक इग्लू है, शायद इसके अंदर होगा। तुम इग्लू के अंदर जाकर देख सकते हो? उफ, यहाँ पर भी नहीं है। सांता अभी भी हेजल का उपहार खोज रहे हैं। तभी हेजल को बर्फ के नीचे उपहार दिख जाता है। हुर्रे, वो रहा मेरा उपहार। अरे नहीं, अब हम क्या करें? रुको, मेरे पास एक तरकीब है। अरे वाह, लगता है हेजल के पास बहुत ही अच्छी तरकीब है। अरे नहीं, सांता क्लॉस तो एक गहरे गड्ढे में गिर गए हैं। उन्होंने उपहार तो ढूंढ लिया है, पर अब वो गड्ढे से बाहर कैसे निकलेंगे? देखो, हेजल ने सांता के लिए एक रस्सी का इंतजाम कर लिया है। सांता! हेजल ने समझदारी दिखाई और रस्सी का जोर गाड़ी से बांध दिया।
बहुत अच्छे बच्चों, तुम सबने सांता को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हमने कर दिखाया। हो हो हो, शुक्रिया नन्हे दोस्तों। आप ठीक तो हैं सांता? ओ, मैं ठीक हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आपका उपहार ढूंढ ही लिया। क्रिसमस की बधाई हो दादाजी और दादी जी। सुनो बच्चों, अब हमें वापस जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे माँ को चिंता होगी। हेजल की माँ सबके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट दूध बनाकर लाती है, पर वो बच्चे और सांता को ना पाकर चौंक जाती है। सांता और बच्चे कहाँ चले गए? माँ देखो, सांता ने मुझे क्या दिया। ये तो बहुत अच्छा उपहार है, आप सबके लिए चॉकलेट दूध। ओ, शुक्रिया शुक्रिया बच्चों, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। शुक्रिया सांता, हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। क्रिसमस की बधाई हो सांता। तुम सबको भी क्रिसमस की बधाई हो। हो हो हो। क्रिसमस की बधाई हो। तुम सबको भी क्रिसमस की बधाई हो।